नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप तक पढ़ लिया था, आज हम लोग इस इलेक्ट्रोस्कोप टॉपिक के आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट। नाउ लेट्स बिगिन। देखिए जरा, आप यहां पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, हालांकि हम इस चीज़ को डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन इसको अब हम पूरा का पूरा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए जरा कैसे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक रॉड दिखाई है। आप देख पा रहे होंगे इस रॉड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नज़र आ रहा है, या कह दो पूरे में पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है। तो इसलिए अगर किसी सब्सटेंस पर या किसी भी रॉड पर, जैसे कि ग्लास रॉड है, हमने पहले भी कल याद किया था कि ग्लास रॉड और जो कैट्स की फर होती हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। देखो एक चीज़ जान लो कि इनमें जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, वो ऐसे ही नहीं होता कि अगर हमारे पास सीधी ग्लास रॉड रखी हुई है और आप कह दें कि इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं। जब ग्लास रॉड को किसी कपड़े के साथ या किसी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ा जाएगा तो वो जो रॉड होगी उस पर चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे हमारे हाथ है, हाथ में भी क्या है, चार्ज है, लेकिन ऐसे नहीं, क्या होगा, हम अपने हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ेंगे तब उसमें चार्ज आएगा। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अगर किसी रॉड पर हमने देख लिया कि उस पर प्रोटॉन्स की मात्रा ज़्यादा है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी रॉड पर क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कल बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो रॉड कैसी होगी या सब्सटेंस कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। हम आगे भी देख लेते हैं एक चीज़ को, फिर यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देखो यहाँ पर एक और हमारे पास ये रॉड है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे हैं, वो मेजॉरिटी में। जब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, या कह दो इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद हैं, तो ये जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस। कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें क्या हो, कुछ पॉजिटिव हो और नेगेटिव ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा उस सब्सटेंस में कैसी हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी चीज़ हम और कहेंगे कि नेगेटिवली चार्ज तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ प्रोटॉन्स है। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं, कि यानी कोई सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब वो दो बातों को फुलफिल कर रहा हो। कौन कौन सी दो बातें, एक तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या लैक ऑफ प्रोटॉन हो। डेफिनेट सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर प्रोटॉन की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। सिमिलरली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन निग्लेजिबल मात्रा में है, और यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन्स है। आप देख पा रहे होंगे मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन्स है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन्स होने के कारण ये रॉड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण। अब चलिए इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि ये न्यूट्रल कौन है, क्यों है। आप देखो जरा यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे पूरे डायग्राम में, तो जितने नेगेटिव हैं यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। और मैंने कहा था कि अगर जैसे किसी सब्सटेंस में 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, जीरो, यानी वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग कि कोई सब्सटेंस पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है जब उस पर मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन्स हो, कोई सब्सटेंस नेगेटिव कब होता है, जब मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। चलिए तो फिर इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं और ज़रा समझ लेते हैं किस तरीके से। अ बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो वो बॉडी कैसी होगी, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। और अगर किसी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके से इंसर्ट करवा दिए जाते हैं, यानी किसी बॉडी में अगर वो अंदर चले जाते हैं, तो वो बॉडी कैसी होगी, तो वो बॉडी डेफिनेट तौर पर नेगेटिवली चार्ज होगी। अब हम यहाँ पर इस बात को भी समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो आगे बढ़ाता कौन है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप तो बढ़ता नहीं है, तो वो बढ़ाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड
प्रोटॉन, ये दोनों ही क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक क्यों बोला गया है इनको, सब एटॉमिक क्योंकि एटम जो है वो इन्हीं दोनों पार्टिकल से मिलकर के मेनली बना हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरीड बाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे क्या लिखा हुआ है देखो जरा, आगे लिखा हुआ है कि इन इन ऑर्डिनरी मैटर, यानी अगर कोई हमारे पास साधारण पदार्थ है, नेगेटिव चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नेगेटिव चार्ज कैरी होता है हम लोग जानते हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज इज कैरीड बाय प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन किस में रिसाइड्स करते हैं, न्यूक्लियाई में किसी भी एटम के, तो पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा कैरी किया जाता है, प्रोटॉन्स के द्वारा, और नेगेटिव चार्ज किसके द्वारा कैरी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। गॉट इट और नॉट, समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखो जरा लिखा हुआ है कि इफ देयर आर फ्यूर इलेक्ट्रॉन्स इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। समझ चुके हैं, अगर किसी सब्सटेंस में कम इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो पॉजिटिव चार्ज, और फ्यूर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, यानी अगर किसी सब्सटेंस पर इक्वल नंबर्स में चार्ज है, यानी कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी हाल आपने देखा था, मैंने कहा था कि अगर इस सब्सटेंस पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट करवा दिया जाए किसी भी मेथड के थ्रू, तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि इफ देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स इन अ पीस ऑफ मैटर इट विल हैव नेगेटिव चार्ज। वही चीज मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर इस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा प्रोटॉन्स की मात्रा से ज़्यादा है, तो ये सब्सटेंस कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर काफ़ी लाइनों के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ देते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है देखिए जरा यहाँ पर। अब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियरली कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा, कल मैंने जो चीज़ आपको समझाई थी वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। देखो जरा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, दोनों ही सेम हैं, या कह दो दोनों ही कैसे हैं, लाइक हैं। तो देखो जरा, दोनों सेम हैं, दोनों लाइक हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपल कर रहे हैं। वेरी गुड, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये दोनों भी लाइक चार्जेस हैं, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी एक बॉय है और एक यहाँ पर गर्ल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए और अच्छे डेफिनेट तरीके से देख लेते हैं एक डायग्राम किट। तो जरा देखो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भैया, अट्रैक्शन हो रहा है। यही चीज़ तो हम लोगों ने पीछे देखी थी कि सेम चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ट्रिपल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल बात सही है कि अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो जरा यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़के का हाथ है, यहाँ पर देख पा रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। कभी इस तरीके से हाथ पकड़े हुए बॉय बॉय को देखा होगा, तो वही चीज है कि अनलाइक चार्जेस हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों अनलाइक है, ये दोनों यहाँ पर ये पूरे के पूरे क्या थे, लाइक चार्जेस थे, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। ये अनलाइक चार्जेस हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए और तरीके से देख लेते हैं। देखो जरा यही चीज आपने केमिस्ट्री में भी देखी होगी, केमिस्ट्री में भी किस तरीके से देखा होगा आपने, केमिस्ट्री में भी आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे कि सोडियम जो होता है, सोडियम पर कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर कैसा होता है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, जीवन को नमकीन बना देते हैं। क्यों मैंने नमकीन बना देते हैं क्यों लिखा था, क्योंकि ये सॉल्ट यानी नमक का फॉर्मूला है। आप जानते होंगे कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली अगर हम HCl की बात करें तो यहाँ पर भी कैसा होता है, H प्लस और Cl माइनस, ये दोनों मिलकर भी आयनिक बॉन्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम केमिकल फॉर्म में भी अगर देखें तो वहाँ पर भी हमने कहा नहीं है कि चाहे आप इसको लाइफ से कनेक्ट करके देखें, चाहे आप उसको फिजिकल तरीके से देखें, चाहे इसको केमिस्ट्री के तरीके से देखें, हर तरीके से आपको वही कॉन्सेप्ट नज़र आएगा जो कॉन्सेप्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप देखेंगे यहाँ पर वही चीज़ को और क्लियरली डायग्राम से दिखाया गया है। ये देखो लड़का है, अपोजिट पोलैरिटी है, तो देखो जरा अट्रैक्ट हो रहा है,
ये देखो ये अपोजिट पोलैरिटी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए इस चीज को हम अब लिख लेते हैं अच्छी तरीके से कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल ईच अदर, और क्या होगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये अनलाइक चार्जेस ही तो है, ये अनलाइक चार्जेस ही तो है, ये अनलाइक चार्जेस ही तो है, और ये जो है वो कैसे है, लाइक, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। देखिए चार्ज का अब सिंबल क्या होता है, चलिए अब हम चैप्टर में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं बहुत डीपली तरीके से। चार्ज का जो सिंबल होता है वो चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ज के बारे में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये चीज भी बहुत आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम। आपने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसने बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और लेकिन जो इसकी यूनिट का इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, कूलॉम ने किया था, एगस्टाइन कूलॉम। तो इनके बारे में भी हम अभी देख लेंगे क्या थे कूलॉम। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी यूनिट तो हम समझ गए कूलॉम, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बगल में लिखा भी हुआ है। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या क्या होती हैं, चार्ज की कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, एस आई यूनिट, या इसको हम एम के एस यूनिट, एम के एस ए यूनिट इसको बोलेंगे। आपने 11th में पढ़ा होगा कि यूनिट्स को कई तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे, सी जी एस यूनिट, एम के एस यूनिट, एम के एस ए यूनिट, एम के एस ए यूनिट, इसी को हम एस आई यूनिट भी बोल देते हैं, एफ पी एस यूनिट यानी फुट पाउंड सेकंड, इस तरीके से तमाम की यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा कि चार्ज की यूनिट एक कूलॉम्ब होती है, चार्ज की अदर यूनिट्स भी होती हैं, होती है एक क्या, एलिमेंट्री चार्ज, एक फेराडे और एक एम्पियर आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि एम्पियर आवर किस तरीके से होती है, तो देखो जरा आपने 10th में एक चीज़ पढ़ी होगी, हम चार्ज की एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है करंट, और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टाइम। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, यानी चार्ज जो होता है वो क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड टाइम। आप देख पा रहे हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड टाइम। तो करंट की यूनिट क्या होती है, आप सभी को पता है करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है आवर। तो इसी चीज को भी हम क्या बोल देते हैं, चार्ज। यानी आपको अगर देखें तो जैसे कोई वायर है, इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, सपोज दैट करंट फ्लो हो रही है, और वो टी सेकेंड्स या टी आवर तक फ्लो होती है। तो जो चार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा चार्ज का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि हम करंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज समझ लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो करंट फ्लो होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, चार्ज। तो चार्ज की इसलिए एक और डेफिनेशन से, एक और डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक और यूनिट निकाल सकते हैं, एम्पियर इंटू आवर। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, एम्पियर इंटू आवर, अगर आपको ना कहना हो, बहुत जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, कैसा, कि एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी एम्पियर इंटू आवर, या आप इसको कह सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी ए इंटू एस, इस तरीके से भी हम इसकी यूनिट को कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपने एक चीज़ और देख ली कि ये जो यूनिट निकल के आई है वो किससे निकल के आई है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, इससे यूनिट निकल के आई है, यानी एम्पियर इंटू आवर या एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके अलावा क्या है, एक फेराडे है, फेराडे के अलावा एलिमेंट्री ये है। अब वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, आप सभी को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। हाँ, लेकिन एक चीज और आप जानना कि इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, निगेटिव, यानी −1.6 × 10⁻¹⁹। लेकिन जब बात आएगी प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ई पे पॉजिटिव लगा सकते हैं। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज नथिंग बट द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि ये प्रोटॉन है। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन पर अगर हमने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, −1.6 × 10⁻¹⁹। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और कूलॉम्ब तो इसकी यूनिट होती ही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैल्यू ऑफ चार्ज क्या हो जाती है, ये हो जाती है। तो समझ गए ना कि अगर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर यहाँ पर प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन सेंस सेम रहेगा, ये माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ये वाला क्या होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब, तो इसलिए कूलॉम्ब। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इन एसआई बेस्ड यूनिट। देखो यहां पर वही बात आ गई, यहां पर एम्पियर आवर था, यहां पर क्या है, एम्पियर सेकेंड। आपने यही चीज देखी, एम्पियर आवर, एम्पियर सेकेंड, एलिमेंट्री चार्ज भी इसकी यूनिट होती है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, हाँ चार्ज कैसी राशि है, यानी चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक कंजर्वड क्वांटिटी है। चार्ज के बारे में अगर बात की जाए कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ यस, चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी। क्यों कंजर्व्ड क्वांटिटी, देखो एक चीज जान लो, चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि ये कंजर्व्ड क्यों है, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता है, ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है, केवल चार्ज का फॉर्म बदला जा सकता है, यानी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित या ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके नेचर को बदला जा सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, बट इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। गॉट इट और नॉट, समझ गए होंगे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो हमने यहाँ पर देखा चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, आपने ये चीज 11th क्लास में पढ़ी होगी, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आपको पता है, कि क्योंकि चार्ज की फॉर्मूला जो होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, और आपको पता है कि करंट की जो डायमेंशन होती है वो आई होती है, एम्पियर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टी की जो होती है वो टाइम, इसको विद इन द पैरेंथेसिस लिखा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला, समझ गए बात कि नहीं, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। देख पा रहे होंगे ये जो है, ये भैया हमारे कूलॉम साइंटिस्ट है, ये हमारे जो है वो कूलॉम है, एगस्टाइन कूलॉम, इन्हीं को बोलते हैं क्या, एगस्टाइन कूलॉम, तो इनको भी आप देख लीजिए। फिर आप देखते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, कि अब एक चीज़ पूछी जाती है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, जब भी किसी भी चीज़ में मिली लगाओ, मिली का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 3, तो मिली कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10 टू पावर माइनस 3। आप समझ रहे होंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1000 कूलॉम, यानी 1 मिली कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 1 कूलॉम का 1000वां हिस्सा, देखो जरा 1000वां पार्ट है इसका, 1 कूलॉम का 1 मिली कूलॉम, सोचो जरा कितना छोटा होता है, इससे भी छोटे छोटे चार्जेस भी कौन कौन से, ये तो हमने 1 मिली कूलॉम देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिली कूलॉम के बाद अगला हमारा जो आता है वो आता है 1 माइक्रो कूलॉम। देखो जरा, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 6। अगर आप इन दोनों में देखें तो ये माइनस 3 है, यानी मिली कूलॉम इससे थोड़ा बड़ा है, माइक्रो उससे भी छोटा है। आपने देखा होगा, कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो जब भी आ जाए तो उसकी जो पूरी की पूरी शेप होगी वो 10 टू पावर माइनस 6। 10 टू पावर माइनस 6 का मतलब जान रहे हैं, 1/1, कितनी बिंदी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 बिंदी, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा वैल्यू कम होती है 1 माइक्रो कूलॉम में। आगे भी आप ये चीज़ याद रख लेना कि 1 मिली कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10 टू पावर माइनस 3 कूलॉम, 1 माइक्रो कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10 टू पावर माइनस 6 कूलॉम। आगे देखते हैं और क्या होता है, इसके बाद देखते हैं 1 नैनो कूलॉम, 1 नैनो कूलॉम, नैनो मतलब क्या होता है, 10 टू पावर माइनस 9, ये याद करना बहुत आसान है, माइक्रो भी याद करना 10 टू पावर माइनस 6, मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 3। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी हम देख लेते हैं 1 पिको कूलॉम, पिको कूलॉम में क्या होता है, 10 टू पावर माइनस 12, देखो जरा 10 टू पावर माइनस 12, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि 1 मिली कूलॉम में 10 टू पावर माइनस 3 कूलॉम, 1 माइक्रो कूलॉम 10 टू पावर माइनस 6 कूलॉम, 1 नैनो कूलॉम में 10 टू पावर माइनस 9 कूलॉम, 1 पिको कूलॉम में 10 टू पावर माइनस 12 कूलॉम। उनके अलावा मैं ये चीज़ पहले ही आपको बता चुका हूँ कि द प्रोटॉन हैज़ अ चार्ज ऑफ प्लस ई एंड द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज ऑफ माइनस ई। चलिए शुरू करते हैं आगे,
चलिए आगे देख लेते हैं। अब चार्ज की कुछ और भी यूनिट होती हैं जिन्हें ESU यूनिट और EMU यूनिट भी बोला जाता है। इनको हम अदर यूनिट्स में काउंट कर लेते हैं कि आखिर ESU यूनिट क्या है और EMU यूनिट क्या है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे ESU का मतलब क्या है। देखो इसको हम फुल फॉर्म को डिवाइड कर लेते हैं कि ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रो, S का मतलब होता है स्टैटिक और U का मतलब क्या होता है यूनिट। सिमिलरली अगर हम EMU की बात करें तो समझ पा रहे होंगे कि चार्ज की एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रो, M का मतलब होता है मैग्नेटिक और U का मतलब क्या होता है, U का मतलब होता है यूनिट। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो जरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या कि देखो मैग्नेट फील्ड कब जनरेट होती है, जब चार्ज मोशन में होता है। बिल्कुल बात सही, यानी कि जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो उसकी यूनिट को हम कभी कभी EMU में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जब चार्ज क्या होगा, रोका हुआ होगा यानी स्टैटिक फॉर्म में होगा तो हम उसकी यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट करते जाना कि ESU क्या है, जब चार्ज रुका हुआ हो तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं और जब चार्ज मूव कर रहा हो यानी मोशन में हो तो उसकी जो यूनिट को हम डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार, क्या कि 1 कूलॉम में कितने ESU होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद करना है कि 1 कूलॉम में कितनी ESU होती हैं। 3×10⁻⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन 1 कूलम। देखो जरा यहाँ पर ये भी पूछा जाता है पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि ESU और EMU में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर पहले बहुत फ्रेंकली तरीके से इस चीज़ को याद कर लेते हैं कि 1 कूलम में क्या होता है, 1 कूलम में 3×10⁻⁹ ESU होते हैं। और जरा देख लेते हैं 1 कूलम में ही कितने EMU होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो 1 कूलम में क्या होता है, 1/10 EMU होते हैं। कितने EMU होते हैं, 1/10 EMU होते हैं 1 कूलम। तो देखो याद करना बहुत आसान है, बस आपको ये याद करना है कि 1 कूलम में कितने ESU होते हैं, 3×10⁻⁹ ESU होते हैं। 1 कूलम में कितने EMU होते हैं, 1/10 क्या होते हैं, EMU होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1 कूलम में कितने ESU होते हैं और कितने EMU होते हैं। अब जरा देखो मैंने इस तरीके से आपको बताया है कि 1 कूलम बस आपको एक साइड याद करना है और दूसरे साइड 3×10⁻⁹ ESU और 1/10 EMU। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ESU एंड EMU, रिलेशन बिटवीन क्या ESU एंड EMU, इनके बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो देखो जरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप देख रहे होंगे कि इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 कूलम और राइट हैंड साइड में अलग अलग है। तो क्या होगा, जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 1/10 EMU is equal to 3×10⁻⁹ ESU कह सकते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसको वहां पर ट्रांसफर कर दें मैथमेटिकली, तो 1 EMU is equal to 3×10⁻⁹, ये 9 है, एक 10 और पहुंच गया, तो 3×10⁻⁹ क्या ESU। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं। तो देखो जरा EMU और ESU में आपने रिलेशन पढ़ लिया कि नहीं, 1 EMU में कितने ESU होते हैं, 3×10⁻⁹ ESU। 1 कूलम में कितने ESU होते हैं, ये 3×10⁻⁹। 1 कूलम में कितने EMU होते हैं, 1/10 EMU। समझ में आ गई बात कि नहीं, ESU और EMU का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हमने समझ लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से, इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ESU और EMU कंफ्यूज तो नहीं होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जरा हम टॉपिक में धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और सारी चीज़ें हमें लगता है कि क्लियर होती चली जाएंगी। ये अदर यूनिट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि चलिए देख लेते हैं आगे। देखो जरा अब यहाँ पर हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। देखो कंडक्टर नाम से पता चल रहा है कि जो
इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएं, कंडक्ट करवाएं, यानी कंडक्ट का मतलब क्या होता है, फ्लो करवाएं, वही तो कंडक्टर कहलाते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी को फ्लो ना करवाएं, यानी इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो फ्लो कैसा हो ना, यही तो कहलाते हैं इंसुलेटर। देखो जरा यहाँ पर इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया, बैटरी से एक्सटर्नली सेल से कनेक्ट किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। और एक चीज़ देखो जरा, अपने सेल में क्या होता है, एक नेगेटिव पोर्ट होता है, एक पॉजिटिव पोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस पोर्ट से यानी नेगेटिव पोर्ट से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। वो किस तरफ जा रहे हैं, अब खुद देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पॉजिटिव पोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव पोर्ट की तरफ। तो वही चीज आ रही है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या होगा, रिपल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वही चीज यहाँ पर हो रही है। चलिए तो कंडक्टर को समझ लेते हैं। ये अच्छा आप लोग ये बताओ, ये डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो ये डायग्राम किसका है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? डेफिनेटली ये जो डायग्राम है वो किसका है, कंडक्टर का है, ये कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये तो कंडक्टर हो गया, अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है कि सम सब्सटेंस रीडली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, यानी कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं। जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अदर्स डू नॉट, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, अदर्स डू नॉट, जो नहीं होने देंगे पास वो क्या होंगे, इंसुलेटर, जो पास होने देंगे वो क्या होंगे, वो होंगे कंडक्टर। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड क्या, कंडक्टर, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वही क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये सब्सटेंस क्या है, कंडक्टर है। फिर क्या हुआ, कंडक्टर तो हो गए, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आर दैट, यानी उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल, यानी कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आसानी से मूव कर सकते हैं, यही बात तो हो रही थी यहाँ पर कि अगर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आसानी से फ्लो हो पा रहे होंगे। आप बगल में एनिमेटेड डायग्राम से ये चीज देख सकते हैं। अब क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या है इसके, कंडक्टर्स के, आप सभी लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेटल्स में आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, ह्यूमन, हम लोगों को भी करंट लगता है, एनिमल बॉडीज, एंड अर्थ आर कंडक्टर, अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, ये चीज भी आप लोग ढंग से याद रखना। तो ये भी एक कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। आगे देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, यानी कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे लाइक ग्लास, यानी कि ग्लास का मतलब कांच, कांच में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, नहीं होती है। ग्लास के अलावा क्या हो गया, पोर्सलिन के अलावा क्या हो गया, आप देख पा रहे होंगे प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, फॉर हाई रेजिस्टेंस टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम इंसुलेटर्स बोल देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी रुकावट डालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल है उनमें पास होना, उनमें पास हो ही नहीं पाते, और वो नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कौन कौन से, लाइक ग्लास, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड एक्सेट्रा, तमाम की ऐसी चीज़ें होती हैं। और मेटल्स ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज, और जितने भी सिल्वर हो गया, जैसे कॉपर हो गया, और भी चीज़ें हुई, एल्युमिनियम हुई, ये सब के सब क्या है, कंडक्टर हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक अपने से पास होने देते हैं। चलिए इस चीज़ को हमने देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, देखो जरा आगे क्या है, देखो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि किसी बॉडी में किस तरीके से चार्ज को हम डिफाइन करते हैं। अगर किसी बॉडी में क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो आप देख पा रहे होंगे जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो चार्ज कितना हो गया, देखो जरा चार्ज कितना हो गया, जीरो, यानी सब कुछ जीरो हो गया, शून्य हो गया हर चीज़। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, एक सिरामिक का हमने पीस लगा रखा है, ये जो है वो क्या है, सिरामिक का पीस है, यहाँ पर हमने बल्ब कनेक्ट कर रखा है सेल से, और बीच में हमने तार के बीच में, यहाँ पर या वायर के बीच में एक
फाइन सेरामिक लगा रखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे हम प्लग इन करते हैं, प्लग इन करने के बाद क्या हो पा रहा है, क्या इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, क्या बल्ब ग्लो कर पा रहा है, ग्लो कर पा रहा है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, ब्लॉक कर दी। किसने कर दी, इस फाइन सेरामिक ने। क्यों कर दी, क्योंकि ये क्या है, ये है इंसुलेटर। सिमिलरली यहाँ पर देखो एक मेटल का पीस हम लोगों ने लगा रखा है, ये जो है वो क्या है, मेटल का पीस है। यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे हमने यहाँ पर प्लग को ऑन किया तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तुरंत के तुरंत प्रोड्यूस हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे तो बल्ब क्या कर गया, बल्ब ग्लो कर गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स का कितना बड़ा यूज़ है। चलिए इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, और ये चीज़ क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, देखते हैं कि क्या है हमारे आगे चैप्टर में। चलिए देख लेते हैं। अब एक डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि 1 कूलॉम किसे कहते हैं। 1 कूलॉम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1 कूलॉम क्या है। 1 कूलॉम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। देखिए जरा, मैंने पहले ही आपको बताया था चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू टाइम, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ करेंट एंड टाइम। और करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, और टाइम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से। और ये क्या है, ये है चार्ज यानी क्यू। और आपको पता है कि अगर हम इसको कहें कूलॉम, इसकी हम अगर यूनिट के फॉर्म में देखें और यूनिट के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलॉम। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। देख पा रहे हैं कि नहीं, टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब देखो जरा, यहाँ पर 1 कूलॉम की डेफिनेशन पूछ रहा है। हमें पता है कि अगर हमने इससे ये डेफिनेशन से ये फॉर्मूला निकाला है, ये अगर हमने फॉर्मूला देखा है तो क्या है, कूलॉम इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। उसने लेकिन कहा है कि 1 कूलॉम क्या होता है, 1 कूलॉम को डिफाइन करो। तो जरा सोचो, अगर हम पूरे में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, क्या ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए इंटू एस। अब जरा और देख लेते हैं डीपली, तो हमें यहीं पर डेफिनेशन भी याद हो जाएगी किस तरीके से। अगर हम इसके आगे 1 लिख दें, यानी ये 1 कूलॉम हो गया, और यहाँ पर जब हमने उधर 1 लिखा यानी इस साइड 1 लिखा, तो इस साइड भी तो 1 लिखना होगा, नहीं तो इसको बुरा नहीं लगेगा इस वाले को। सोचो जरा कि अगर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, तो इस वाले को बुरा नहीं लग जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर भी 1 लिख दिया और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नहीं तो किसी को बुरा ना लगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हमने क्या लिखा, 1 1 लिख दिया। तो ये क्या हो गया, हम इसको क्या 1 कूलॉम नहीं कह सकते हैं, 1 कूलॉम। क्या हम इसको 1 एम्पियर नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं 1 कूलॉम। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम 1 सेकंड कह सकते हैं। देखो बन गई डेफिनेशन, हो गया काम पूरा का पूरा तमाम। क्या कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। और एम्पियर क्या है, करंट है। तो 1 कूलॉम क्या है, 1 कूलॉम चार्ज जो होता है वो क्या होता है कि 1 कूलॉम चार्ज एक ऐसा अमाउंट है कि जब 1 एम्पियर की करंट कितनी देर के लिए फ्लो हो, 1 सेकंड के लिए फ्लो हो, तो वो चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 1 कूलॉम होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, 1 कूलॉम क्या होगा, 1 कूलॉम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट कितनी होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए 1 एम्पियर की, और फ्लोइंग फॉर यानी करंट कितनी देर के लिए फ्लो हो, केवल और केवल 1 सेकंड के लिए फ्लो हो। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो अच्छे से याद रखना कि 1 कूलॉम चार्ज क्या है, 1 कूलॉम जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो किससे आता है, 1 एम्पियर करंट से, और 1 एम्पियर करंट कितने देर के लिए फ्लो हो रही हो, 1 सेकंड के लिए। इसको आप अपनी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन आप कॉपी करें। कह सकते हैं कि 1 कूलॉम इज द चार्ज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग फॉर 1 सेकंड, देन द चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलॉम। गॉट इट और नॉट, समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये चीज़ तो हमने देख ली कि 1 कूलॉम क्या है। अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.241 × 10⁻¹⁸ प्रोटॉन्स, यानी 1 कूलॉम में कितने प्रोटॉन होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर आ गई, चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, वो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ पर कह क्या रहा है कि 1 कूलॉम, ये बात हमें देखनी है कि 1 कूलॉम में कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पर या किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। तो देखो जरा, आपको मैं चार्ज का एक फॉर्मूला बता दूँ, उस फॉर्मूले को आप लोग बहुत ढंग से लिख लेना। आप लोगों ने ये चीज़ हालांकि
टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन इन टू ई। इसी को हम चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन इन टू ई। अब आपसे क्या कह रहा है कि वन कूलम में किसी भी प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर मतलब चार्ज कैसा होता है, आपको पता है कि प्रोटॉन पर फॉर, हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए जो चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है। हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ से निकल के आई, कि एक कूलम चार्ज में कितने प्रोटॉन होते हैं, यही तो पूछ रहा है। देखो कितने प्रोटॉन, एक चीज देखना जरा, इसको हिंदी में लिख लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कितने क्या प्रोटॉन, यानी हाउ मच प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर ही तो पूछ रहा है कि कितने नंबर में प्रोटॉन होंगे, कितने एक कूलम चार्ज। तो देखो गिवन क्या है, हमें हमें गिवन क्या है, जो चार्ज दिया है वो कितना दिया हुआ है, वन कूलम चार्ज दिया हुआ है, और हमें प्रोटॉन की वैल्यू पता है कितनी, और एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बताइए, आप लोगों ने ऐसी तो बहुत सी इक्वेशन सॉल्व की होंगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। अब आपको पता है क्यू कितना है, क्यू है वन कूलम है कि नहीं, 1c लिख दे रहे हैं। e की वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अब क्या करें, अब भैया कैंसिल कर दें, देखो जरा c से c कैंसिल हो गया। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 1 upon 1.6 into 10 to power minus 19 लिख सकते हैं ना, क्या हम इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखो जरा हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर देते हैं, क्या हुआ, हम इसको यानी n इज इक्वल टू कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 upon 1.6, और ये जो 10 टू पावर माइनस 19 है, ये जो 10 टू पावर माइनस 19 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी हम जब इसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 10 to power plus 19 हो जाएगा। क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व कैसे करें, हम इसको लिख लेते हैं 10 into 10 to power 18 अपॉन क्या, 1.6 लिख सकते हैं मैथमेटिकली। अब हम क्या करें कि 1.6 से इसको हम कट कर देते हैं, देखो जरा 1.6 से अगर हम 10 को कट करेंगे तो आप कट करके देख लीजिएगा क्या निकल के आएगा, 6.241। यानी कि ये जो n की वैल्यू निकल के आ गई, वो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, n इज इक्वल टू 6.241 और इनटू, देखो जरा इनटू में क्या है, 10 टू पावर प्लस के 18। तो एक चीज हमने क्लियर कर ली कि अगर वन कूलम चार्ज होगा किसी भी सब्सटेंस पर, और वो कह रहा है कि उसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो n इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, q अपॉन e, q की वैल्यू है 1 कूलम, उसने पहले ही कह रखा है कि 1 कूलम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है 6.241 into 10 to power 18। अगर 41 ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलेगा। तो एक चीज आप लोगों ने देख ली बहुत अच्छे तरीके से कि कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 into 10 to power 18 प्रोटॉन्स, कितने में, 1 कूलम चार्ज में कितने प्रोटॉन। हाँ, अगर आपसे कहा जाए सिमिलरली 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो भी कितने हो जाएंगे, 6 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन। बस यहाँ पर क्या होगा, एक चीज का अंतर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रॉन की, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज आप बहुत ढंग से याद रखना कि 1 कूलम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 into 10 to power 18 या 6.24 into 10 to power 18, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, -6.6 into 10 to power 18 या माइनस हटा दो आप। हाँ, आपको ESU क्या होती है, आप लोगों को याद होगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to power 9 ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू, ये अदर यूनिट्स हैं, ये स्टैटिक यूनिट है चार्ज की, और वो यानी 1 upon 10 EMU, वो कैसी है, मैग्नेटिक यूनिट है। तो समझ पा रहे होंगे कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीमे धीमे। वैल्यूज को बहुत ढंग से याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल इनके बिना नहीं लग सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा, कि
द चार्ज ऑन वन प्रोटोन इज, देखो वन प्रोटोन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कन्वर्सली द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर मैं पहले ही बता चुका हूँ इतना होता है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो जरा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। देखो वही बात आ गई कि नहीं, वही बात आ गई कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, क्या हमें ये लगाने की जरूरत है। देखो क्यू इज इक्वल टू दिया है वन कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन हमसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सिंस हम लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू ई, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। फिर से हम सॉल्व किए दे रहे हैं तो यहाँ पर वन कूलम अपॉन ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आप इसको सॉल्व करेंगे सी से सी उड़ा दो, क्या हो गया वन, यहाँ पर क्या बचा वन अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹। अब क्या होगा −19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻+19, प्लस का 19 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹⁸ अपॉन क्या 1.6, 1.6 से इसको काटो क्या हो जाएगा 6.241 × 10⁻¹⁸। क्या क्या है भैया ये इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ में आ गई कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलॉम में कितने प्रोटॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या प्रोटॉन, और वो वैल्यू कितनी होती इतनी, इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, गॉट इट और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली आने चाहिए क्योंकि अगर आएंगे तभी हम एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं, धीमे धीमे चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो चार्ज केवल एक बॉडी से निकल सकता है या उस बॉडी के अंदर आ सकता है, ये हमेशा कैसा रहता है कंजर्व। यानी कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, उसके जैसा उसके पास कोई दूसरा ना हो, वो चीज कहलाती है आइसोलेटेड सिस्टम। द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैन नॉट चेंज। यानी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे मान ली हमने आयरन है या कोई भी चीज, अगर प्योर आयरन तो उसमें लिमिटेड अमाउंट में जितना पॉजिटिव होगा, सपोज दैट हमने कहा कि 10 अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है तो 10 ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो सब्सटेंस एग्जैक्ट सब्सटेंस होगा। यानी वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली शुरुआत में, लेकिन जैसे ही उससे इलेक्ट्रॉन या तो फिर निकाल लिए जाते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए जाते हैं इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो वो उसमें क्या आ जाती है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो नेगेटिव पोलैरिटी शो करेगा और इलेक्ट्रॉन कम तो वो पॉजिटिव पोलैरिटी शो करेगा। तो यही चीज़ हमें देखनी थी यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैन नॉट चेंज। हमेशा एक चीज़ याद रखना, किसी भी सब्सटेंस में जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए हमेशा। यानी अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी सब्सटेंस पर क्या है 10 अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है और उस पर 8 अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी +2, हमेशा ही इतनी होनी चाहिए। भले ही अब क्या हो जाए, अब इस पर क्या हो जाए +20 हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए −60 हो जाए, तो भी अब सॉरी हाँ चलिए ये चीज़ तो क्लियर होगी, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी तो हमने देख ली कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमेशा चार्ज कैसा रहता है कंजर्व, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। यानी चार्ज को ना ही खत्म किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, यही तो चार्ज का कंजर्वेशन कहलाता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अगली चीज लिखी हुई है रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस, रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। दिस मीन्स दैट एनी पार्टिकल दैट हैज अ चार्ज क्यू हैज द सेम चार्ज रिगार्डलेस ऑफ हाउ फास्ट इट इज ट्रेवलिंग। देखो रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस यानी कि दौड़ने या भागने से या गति करने से या मोशन करने से किसी भी बॉडी पर चार्ज बदलता, मोशन करने से चार्ज क्या होता है चेंज नहीं होता है, एक चीज हमें याद रखनी।
यानी ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है कि कोई बॉडी अगर क्या कर रही है, मूव कर रही है मोशन में, चाहे जितनी भी तेज हो, उस पर चार्ज नहीं बदलेगा, यानी जितने अमाउंट का चार्ज मौजूद होगा उतना ही चार्ज रहेगा। दूसरी पहली हमने प्रॉपर्टी देखी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस, यानी इनवेरियंस का मतलब होता है जो चीज़ ना बदले ना वेरिएट करे। चलिए देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी हम समझ चुके हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो जरा, कोई सब्सटेंस है उसमें हमने मान लिया कि +5 चार्ज था, हमने इसको +2 चार्ज और दे दिया, अब उस पर टोटल कितना हो जाएगा +5 +2, यानी क्या हो जाएगा +7 अमाउंट का चार्ज हो जाएगा। कोई सब्सटेंस था उस पर क्या था -6 था, और हमने उसको क्या किया +2 और दे दिया, तो अब उस पर क्या हो जाएगा -6 + 2, यानी कितने अमाउंट का चार्ज बचा -4। यही प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी पर चार्ज Q1 है, दूसरे बारे पर उस पर हमने क्या किया -Q2 और दे दिया, -Q3 और दे दिया, तो उस पर जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है Q1, ये क्या है -Q2, ये क्या है -Q3। ये जो पूरा का पूरा नेचर कहलाता है वो क्या कहलाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अभी इसी टॉपिक को हमें बहुत डीपली पढ़ना है। क्वांटाइजेशन यानी उसकी क्वांटिटी हमेशा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो हम डिफाइन करेंगे, और वो क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। और वो क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है Q = ne, इसको हम अगली डेफिनेशन में देख लेंगे ±ne। यहाँ पर प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है, प्लस का मतलब क्या है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब क्या है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को हम आगे देखते हैं आगे की स्लाइड में। चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए जरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ये चीज़ हम अब आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, ताकि लेक्चर हमारा ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।